going to be Peshawar Zalmi versus Quetta Gladiators, the old rivalry now coming to the beautiful town of Quetta, the capital of Balochistan. Right, you heard it from the captains, and the news is that Peshawar Zalmi's captain, Babar Azam, has won the toss and they will be bowling first. को देखा जा सकता है लॉन्ग लेग, उसके अलावा तो पहली गेंद इस नुमाइशी मैच ही मोमेंट देखने को मिली। फुल शॉट, ये चार रन्स, गेंद एक टिपक आती हुई गई मैदान के ईस्टर्न एरिया में। चौके के साथ आगाज किया, खासा वक्त मिल गया था एहसान अली को। फुल शॉट खेलना चाहते थे, आउट हो जाएंगे। बड़ा अच्छा कैच लिया थर्ड मैन बाउंड्री से दौड़ते हुए, सामने आए सलमान इरशाद और इस तरह ये पहला नुकसान उठाना पड़ा एहसान अली से। बड़ी उम्मीदें थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। या शॉट सिलेक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा एहसान अली का। एक बार फिर अपने फेवरेट एरिया जो मिड विकेट का एरिया है वही चूज किया, उन्हें उसी तरह फिट मारने गए, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि जैसे आपने कहा कि एंगल जो है ये हमेशा बॉल इनसे बाहर की तरफ जाएगा। तो बड़ी विकेट हासिल की यहाँ पे वहाब रियाज ने एहसान अली की, पांच रन बनाकर वापस जाते हुए। उठाकर खेल दिया, एक बार फिर मौका है, कवर के फील्डर खुद को तैयार कर रहे हैं। गेंद बहुत देर तक हवा में रही और हसीबुल्ला जो आमतौर पर विकेट कीपिंग किया करते हैं, इस बार आउटफील्ड में उन्होंने ये बड़ा उमदा हाई कैच लिया। वहाब रियाज ने ये दोहरा धचका दिया यहाँ ग्लैडिएटर्स को। जैसे एहसान अली ने खराब शॉट मारा, यही उमर अकमल से भी हम काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन स्टिल अभी बहुत जल्दी थी। दूसरा बॉल फेस कर रहे थे और बड़ा हिट मारने चले गए, और यही बात हम कह रहे थे कि ये पिच इस तरीके से थ्रू द लाइन खेलने वाली नहीं है, आपको वेट करना होगा, आपने बुरे बॉल का वेट करना होगा, तभी आपको इस तरीके से शॉट्स खेल सकेंगे। डिसअपॉइंटेड होंगे उमर अकमल, क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बगैर कोई रन बनाए यहाँ पे वापस जाते हुए 5/2 ग्लैडिएटर्स, क्योंकि काफी नजरें हैं इन प्लेयर्स पे। गेंद फाइन चली जाएगी और ये वो पोजीशन होती है फाइन लेग की जहाँ उसामा थे। आमतौर पर आपको गेंद देर से नजर आती है, यही शिकवा कर रहे हैं उसामा। कतई तौर पर अच्छी गेंद नहीं थी और इजी पिकिंग बंगल सईम, उन्होंने ये करिश्मा दिखाया और गेंद को उठा खेला तमाशाइयों में। पहले कप्तान थे जलमी के, इसमें दबा खेल दिया, पुल कर दिया, फाइन लेग की जाने बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, चार रन हासिल किए अब्दुल वाहिद बंगल सईम ने, ओपन करने आए थे। बॉल कर दिया आमिर जमाल ने, क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान तजर्बाकार सरफराज को चलता किया। एक और धचका क्वेटा ग्लैडिएटर को अपने होम ग्राउंड पर, बड़ी विकेट, शानदार डिलीवरी आमिर जमाल ने। एक आउट स्विंगर के बाद गेंद को स्टंप्स की लाइन में लेकर आए, सरफराज इसके लिए तैयार नहीं थे, बॉल साई को हिट किया। अंदर की तरफ अंदर की जाने बाती हुई बॉल, इसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे, यकीनी तौर पे कुछ मुश्किलात का शिकार क्वेटा ग्लैडिएटर। बेहतरीन समझ सकते हैं, खूबसूरत गेंद, लेकिन इतना ही अच्छा जवाब, ऑल अलोंग द कारपेट, इफ्तिखार ने आते ही दिलों को गरमा दिया इस ठंडे चार मौसम के, आंखों को खीरा कर देने वाली धूप में दिल का चौका इफ्तिखार का, दूसरी गेंद पे चार रन। इफ्तिखार एक मतलब फिर तैयार है, एक और अच्छा शॉट और बैक किया है पिछले चौके को, उससे ज्यादा दिलकश शॉट के साथ और क्राउड में जान डाल दिए। बैक टू बैक चौकों के जरिए से क्वेटा जाग उठा है इफ्तिखार के इन चौकों के जरिए, पावर प्ले मुकम्मल। गोल्डन ग्रास है ये, वेदर की वजह से है, बट स्टिल अ हार्ड ग्राउंड और बड़ा फास्ट है ये जब सीजन आता है। और एक और शॉट इफ्तिखार का और अनस्टॉपेबल है यहाँ पर, क्वेटा रास आ गया है इफ्तिखार को, एक और चौका थ्रू द लाइन ऑल अलोंग द कारपेट। सामा आए बॉल की,
कट करना चाहते थे, बॉल कीपर के पीछे गई, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा कि प्लेड है या बाइस, अंपायर का इशारा बाइस, बीट हुए थे इफ्तिखार। खुशकिस्मती के चार रन क्वेटा ग्लेडिएटर, और रिले होता नजर आ रहा था, हल्का क्लाउड कवर आया है और इसका भरपूर फायदा उठाया अब्दुल वाहिद बंगल सही ने, उठाकर खेला और ऊपर से रवाना कर दिया अब्दुल वाहिद बंगल सही, अपना कदम जमाकर लोकल बॉय ने दिलों को गरमा दिया है इस बुलंदो बाला शानदार छक्के के साथ। खुशदिल शाह भी अपने ट्रू कलर्स में नहीं आ पाए, इसे खेल दिया, एक हाथ से खेला मिडविकेट की जानिब, बॉल बाउंड्री लाइन की जानिब और बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, इंतहाई खूबसूरत चौका, बड़ी देर बाद ये बाउंड्री हासिल की है क्वेटा ग्लेडिएटर की टीम ने, यकीनी तौर पे तेजी के साथ शॉट थर्ड मैन से आए थे, इस मर्तबा खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चार रन के लिए, बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, खुशदिल शाह अपना कलर चेंज करते हुए इस ओवर में उनका दूसरा चौका और उनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, अब ताजा कर देने वाला, दिलों को गरमा देने वाला ये गेम। सलमान आए हैं बॉलिंग में तब्दीली की, मीडिया इनकी जानिब से उछाल के खेल दिया है और सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, छह रन के लिए, खुशदिल शाह बिल्कुल क्लियर इंटेंशंस के साथ, कोई लिहाज नहीं किया, तमाशाइयों ने भी भरपूर तरीके से रिसीव किया बॉल को, एक और शॉट सीधा तीर की तरह और उछल के अपने आप को बचाया वहां पर मौजूद अलीम डार ने, बैक टू बैक बाउंड्रीज क्वेटा ग्लेडिएटर के लिए, खुशदिल शाह सबसे कॉन्फिडेंट मैन बने हुए इस वादी क्वेटा में। आमिर जमाल एक मरतबा फिर और डाउन द लेग साइड, खराब गेंद, पूरा फायदा, जबरदस्त कनेक्शन और नतीजा खुशदिल शाह का, एक और छक्का, सिक्स मशीन बन गए हैं खुशदिल शाह क्वेटा आते ही, अनस्टॉपेबल। क्या ये जोन में थी, बॉल हवा में है लेकिन फील्डर वहां मौजूद है, क्या कैच कर पाएंगे? जी हाँ, ये अच्छा कैच है, शानदार कैच है, और जिस चीज की आप बात कर रहे थे कि एक विकेट हासिल करने चाहते थे ग्लेडिएटर, पेशावर जाल नहीं वहाब रियाज ने वो कर दिखाया। जी एज ए सेट टू अर्लियर कि जो वहाब हैं वो विकेट टेकर हैं, उनके मेन बॉलर हैं, उन्होंने आके उसके दुखती रख को छेड़ा, पहले वाइड बॉल किया और उनको फिर चकमा दिया इन अ वे कि अगला बॉल उन्होंने शॉर्ट लेंथ को जो है वो पूरा जो है उनको बाउंसर दिया, शॉर्ट रेंज आई थिंक वो इसकी थी खुशदिल की, लेकिन अच्छा कनेक्ट नहीं कर सके। खुशदिल को वापस ही जाना होगा, खुशदिल का दिल तो नहीं कर रहा वापस जाने को, ही वांटेड टू कम बैक। यहाँ पे फिनिशिंग रोल निभा रहे हैं इस आलमी के लिए, एक और अच्छा यॉर्कर है लेकिन अनलकी रहे कि बॉल फ्रेंच कार्ड से बोलते हैं, चार रन के लिए बॉल चला जाएगा फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, अवामी अवाम नजर आ रही है, बड़ा हिट है ये बहुत बड़ा हिट है ये, क्राउड में चला जाएगा बॉल, इफ्तिखार आज नहीं रुक रहे हैं, एक और छक्का इफ्तिखार के नाम, आखिरी ओवर करेंगे, आखिरी बॉल करेंगे रादर अपने ओवर की, अच्छा यॉर्कर है लेकिन अच्छे तरीके से किया, सीधा चार रन मिल जाएंगे, ये कमाल की बैटिंग है, बहुत ही आला बैटिंग इफ्तिखार की जानिब से, इनको रोकना मुश्किल हो गया है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, आपको एथलीट होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा, 49 रन पर पहुंच गए और ये लकी बाउंड्री मिल जाएगी, यहाँ पे प्लेस नहीं करना चाहते थे लेकिन लेग बाय के चार रन मिल जाएंगे इफ्तिखार को। ये थोड़े रन लीक कर रही है जलमी की टीम और मेरा ख्याल है कि हार्ड हिटिंग पावर हिटिंग जो है उसको जो है वो लेके आ रहे हैं गेम के अंदर। सलमान इरशाद फुल टॉस जिसे खेल दिया ऑन साइड पे, एक और छक्का इफ्तिखार के नाम रहेगा, ये इनको रोकना आज नामुमकिन है। जी वो लग रहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को भरपूर टाइम दिया और अपने आप को बैक किया कि वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करेंगे जैसे मैंने पहले बात की। यही आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने सबसे बेहतरीन बॉलर से, लास्ट ओवर ऑन साइड पे लेकिन उनके सामने इफ्तिखार है जो नहीं रोक पा रहे हैं, एक और लो फुल टॉस जिसे खेल दिया है ऑन साइड पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब 6 रन के लिए, बहुत ही शानदार शॉट, पिकअप शॉट था, इफ्तिखार पहुंच गए 64 रन पर, आखिरी 5 बॉल हैं, बाबरियास एक बार फिर बॉल हवा में, बॉल गैप में, बॉल और 6, बहुत ही शानदार शॉट और यही वो चीज़ हमें चाहिए थी इफ्तिखार से कि एक फिनिशिंग टच दें, अपनी एबिलिटी हार्ड हिटिंग एबिलिटी को सामने लेके आए और स्टेज उन्होंने अपने लिए सेट की। एक बार फिर बाबरियास बॉल करेंगे इफ्तिखार को, बॉल हवा में है लेकिन एक बार फिर एक और छक्का, तीसरा छक्का, ये हैट्रिक इसको कहते हैं और बहुत ही बेहतरीन शॉट और डिफरेंट रेंज है, एक जो है बिहाइंड द स्क्वायर लेग, एक इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट और तीसरा शॉट सामने मिड ऑफ के ऊपर, तो जितनी तारीफ की जाए उनकी शॉट रेंज की वो कम है, वहाब की बॉलिंग को स्पॉइल भी कर रहे हैं इसमें, एंगल चेंज किया, राउंड द विकेट आए लेकिन इफ्तिखार
नहीं रुक पा रहे हैं। इस बार ऑफसाइड पॉइंट के ऊपर से अंपायर का डिसीजन देखना होगा। 6 रन 14 छक्का इफ्तिखार के नाम। ये स्पेशल इनिंग्स है इफ्तिखार की और बहुत ही मजा आ रहा है उनको देख के। अब बचना होगा इफ्तिखार से। एक बार फिर पॉइंट के ऊपर से, जी हाँ, एक बार फिर एक और छक्का इफ्तिखार के नाम रहेगा। 5 पे 5 I'm loving it. इफ्तिखार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आखिरी बॉल, क्या 6 छक्के लगा सकेंगे? मैं चाहता हूँ 6 छक्के लग जाए। I'm sorry वहाब। 88 रन पर इफ्तिखार। आखिरी बॉल करेंगे वहाब। एक और हवा में बॉल, और 6 छक्के। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम और बहुत ही मजा आया इफ्तिखार के 6 छक्के देखने का। बहुत ही डिसअपॉइंटेड है यहाँ पे वहाब रियाज, लेकिन क्या बात है इफ्तिखार अहमद की, जिस तरीके से इन्होंने ये मैच फिनिश किया, ये नहीं सोचा था कि 6 छक्के वहाब रियाज को लग जाएंगे। मुझे लगता है कि हम सबको उठ के जो वहाब के लिए तो नहीं लेकिन इफ्तिखार के लिए तालियां मारनी चाहिए। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये डोमिनेट किया है इफ्तिखार ने इस बैटिंग गार्ड को। 94 रन बनाए हैं जिसमें 6 छक्के आखिरी ओवर में शामिल हुए जो इफ्तिखार जो वहाब रियाज को मारे उन्होंने। बहुत ही शानदार। और अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट की जो कन्वर्जन है वो पहले 20 बॉलों पे उनका 20 समथिंग रन थे और आखिरी जो उन्होंने 25 या 28 बॉल्स खेले हैं स्पेशली लास्ट 6 वो उन्होंने तो हर चीज़ जो है वो अलहदा कर दी और अपने आप को सबसे सुप्रीम लेवल पे ले आए कि कैसे एक बैट्समैन होने के नाते आप पहले प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद कैसे अपने आप को वो जोन देते हैं जहाँ पर आप हार्ड हिटिंग करके अपनी टीम को विनिंग जोन में ले लें। एब्सोल्युटली शानदार गेम अवेयरनेस दिखाई है यहाँ पे इफ्तिखार ने। जब जरूरत थी धीमा खेलने की तब धीमा खेले, लेकिन एंड पे जब उनको बॉलिंग मिली और उन्होंने कमाल कर दिया। बहुत मुश्किल इस वक्त पेशावर जलमी की बॉलिंग को डिस्क्राइब करने की, क्योंकि उनके जो मेन प्राइम बॉलर थे उन्होंने आपने आखिरी 2 ओवर्स में बहुत बुरी बॉलिंग की जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। सलमान इरशाद भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। आखिरी 3 ओवर में मुझे लगता है नियरली मोर देन 60 रन इनको कंसीड हुए हैं, तो ये इनके लिए वरी पॉइंट जरूर होगा। यहाँ 3 विकेट जरूर हासिल किए हैं लेकिन 47 रन दे दिए आखिरी ओवर में। 36 रन दिए वहाब रियाज ने, 1 विकेट हासिल किया आमिर जमाल ने, 1 ही विकेट हासिल की उसामा मीर ने। उस्मान कादर ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन अपना कोटा पूरा मुकम्मल नहीं कर सके। उसामा मीर ने भी 3 ओवर्स किए, सिर्फ 16 रन दिए, विकेट एक हासिल की उन्होंने लेकिन ओवर पूरा पूरे नहीं कर सके। नसीम शाह पहली गेंद करने के लिए तैयार और तेज रन के जरिए से दूसरे एंड पे जाने की कोशिश। अच्छी वहां पर एफर्ट थी, गेंद को उठाते ही ड्राइव करके स्टंप्स पे मारने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। और दूसरी जाने भी हारिस है जो कि उभरे भी हैं और चमके भी हैं लेकिन लगता है कि क्वेटा का क्राउड मुकम्मल तौर पर अपनी टीम की जीत का मुतमन्नी है, तो मुझे लगता है कि ये उसी को कंटिन्यू करना चाहिए अपने आप को। एक और खूबसूरत शॉट और एक और चौका और एक और खामोशी का ये मंजर। अगर आपने खामोशी तारी करवानी है क्वेटा में तो चौके लगाते जाइए। हारिस दूसरा चौका, शायद इसके पिघलने का मंजर हुआ चाहता है और अब हसनैन के आने का वक्त हुआ चाहता है। ऑफ साइड पे ये गेंद और बाबर आजम को अपने हाथ खोलने का मौका मिल गया गो कि पूरी शॉप में नहीं थे इस गेंद को खेलते खेलते लेकिन गैप तलाश किया। बाबर का पहला चौका कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर करें। स्ट्रेट खेले और किसी के पास कोई मौका मौजूद नहीं है। ये बाबर आजम का इंटेंडेड शॉट और परफेक्ट एग्जीक्यूशन, तो हर चीज आपके सामने आनी चाहिए। ओह क्या खूबसूरत शॉट खेला है, इन तमाशाइयों के बीच में अब मजबूर कर दिया इस कैंप को हारिस ने अपने इस दिल के शॉट के साथ कि वहां पर कुछ हलचल हो। कदमों का इस्तेमाल किया हारिस ने और अपनी पहली 2 गेंदों की खामोशी को तोड़ा। गेंद को उन्होंने पढ़ने के बाद ज्यादा घूमने का मौका नहीं दिया और शानदार चौका हारिस का। नसीम शाह वापस आएंगे बॉलिंग अटैक में। निहायत उम्दा शॉट, ये लैप शॉट खेला हारिस ने, एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया। लेग साइड में 4 फील्डर मौजूद हैं हारिस की खातिर लेकिन ये हर जाने इस वक्त बाउंड्रीज लगा रहे हैं। ये सनसनीखेज कवर ड्राइव, स्लाइटली गेंद बल्ले के करीब गिरी। अलीम डार खासा पीछे खड़े हुए हैं बॉलिंग एंड पर स्टंप से।
और इस वक्त ये बाउंड्री अब ज़्यादा बड़ी नहीं लगती और ना ही ये जो 11 फील्डर्स हैं ये ज़्यादा लग रहे हैं। मोहम्मद हारिस जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं नतीजा भी बदलता हुआ लग रहा है और इसे रैंप किया नहायत शानदार अंदाज में बाबर आजम का एक और दिल का छक्का। एक ज़माने में इनका ज़्यादा वक्त पॉइंट पर गुजरता था और ये ख़राब क्रिकेट झुक नहीं सके। कवर पोजीशन पर खिलाड़ी मौजूद थे खुशदिल शाह, बड़ी बेदिली के साथ उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, वो जहीर की स्ट्रोक्स के शहर में खो जाते थे। ये गेंद नीचे रही और बाबर आजम चल दिए खुद ही इस बार आउटसाइड एज। सरफराज अहमद के लिए एक आसान सा कैच, हसन ने कामयाबी दिलाई और ये बहुत ज़रूरी था पेशावर जलमी के लिए कि वो बाबर आजम का पीछा देखें। ये देखिए बाल ऑप्शन के बाहर बिल्कुल शॉट के लिए तैयार थे मगर मूवमेंट ज़्यादा नहीं थी, बॉडी वेट भी पीछे था, कट करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। बॉल बल्ले का किनारे लेती हुई सरफराज के महफूज हाथों में गई, पहला नुकसान। जी बॉटम एज लगा था बाबर आजम का, इसलिए बार बार बल्ले की पैंती देखते हुए गए। 65 जलमी एक विकेट का नुकसान। थे जो पाकिस्तानी सरजमीन पर उनका पहला बैन अलावामी मैच था तो उसमें ओपनिंग की थी और ऐसे ही इन्होंने स्ट्रोक्स खेले थे। शानदार कवर ड्राइव, इससे अच्छी इब्तदा नहीं हो सकती थी आफरीदी के लिए। तो देखना यह है कि अब इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है मगर आफरीदी के बारे में तो यही कहा जा सकता है जो उन्होंने करके दिखाया। कवर्स के ऊपर से शानदार चौका शायद आफरीदी का, आप उन्हें ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते। अपना दूसरा ओवर करेंगे, 6 रन हो जाएंगे। बहुत ही शानदार पिकअप शॉट है ये ऑन साइड पे, अगर यहाँ पे बॉल करेंगे तो हारिस आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, ये इजी पिकिंग्स हैं। एक और छक्का हासिल किया हारिस ने, प्लेइंग 11 में शामिल किया गया लेकिन उसके बाद से पीछे मुड़के नहीं देखा हारिस ने, रूम दिया है। क्या कमाल का शॉट है ये, 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट शाहिद खान आफरीदी की जानिब से, ऐसा लग रहा है कि जवानी में वापस चले गए आफरीदी। फुल टॉस अंपायर को देखना होगा लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से गाइड कर दिया, स्मार्ट बैटिंग है ये शाहिद खान आफरीदी की जानिब से। अंपायर की तरफ देखते हुए क्या ये नो बॉल है, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, ये बॉल की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि नो बॉल कहा जाए, लेकिन स्मार्ट बैटिंग। 4 रन हासिल किए थर्ड की जानिब खेल के, कदमों का इस्तेमाल लेकिन बीट हो गए और एक बड़ी विकेट हासिल कर ली। ऐसी ही विकेट की तलाश में थे क्वेटा ग्लेडिएटर्स, शाहिद खान आफरीदी बड़ा हिट मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए, थोड़ा पेस में वेरी किया नवाज ने और एक बड़ी विकेट हासिल की शाहिद खान आफरीदी 25 रन बनाकर वापस लौटते हुए। और जैसे जाग गया क्वेटा, इस विकेट का मुंतजर था, बड़ी कामयाबी मिली है। थिंकिंग बॉलर है नवाज, पहले ऑफ स्टंप के बाहर की वाइड उन्होंने जरूर दी लेकिन इसके बाद इनवाइट किया आफरीदी को वो शॉट खेलने के लिए जाए, अपनी कश्तियां जला चुके थे, पीछे मुड़ के देखा तो उनकी विकेट लुट चुकी थी। यादगार इनिंग्स खेल कर वापस चले हैं आफरीदी, 111 पे 2 पेशावर जलमी और अब प्रेशर डाल रहे हैं नवाज। लेग बाइज होंगे ये, 4 रन मिल जाएंगे, लकी बाउंड्री रही है। प्रेशर को रिलीज किया थोड़ा सा इस बाउंड्री ने पेशावर जलमी के लिए। 11 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ 118 पर 2। इसे उठाकर खेल दिया, गेंद आसमान से बातें करती हुई आई, लगता था जैसे ये चिल्टन के पहाड़ों को छू लेगी। एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड एज ए ऑलराउंडर इनकी एबिलिटी है, आउट दे दिया गया। हारिस रिवर्स स्वीप करने के लिए चले गए, अराउंड द विकेट आए थे इफ्तिखार अहमद, ज्यादातर उनकी गेंदें स्टंप्स में ही फिनिश होती हैं। साइम अयूब के लिए उनको लाया गया लेकिन हारिस ने दाएं की बजाय बाएं हाथ का बैट्समैन बनना चाहा और इफ्तिखार के सामने ये अच्छा फैसला नहीं था। आज का दिन इफ्तिखार के लिए जो है वो बना है, मुझे लगता है जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की, अभी देखें फुल टॉस पे भी आपको विकेट मिल रही है, इसका मतलब ये है कि हर चीज़ आपके फेवर में चल रही है आज के दिन में और इनको आज जो भी प्रेडिक्ट है वो ये इनसे करवा लेना चाहिए हमारे लिए और बाकी जो भी लोग इनसे मिले आज। अपना दामन बचाया
शानदार लाजवाब आजम ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसी की वजह से वो स्ट्रगल भी करते गए। ये उठा खेला, ये आसान कैच होना चाहिए, मिड विकेट से आ गए हैं। इफ्तिखार अहमद के लिए ये तरने वाला गेंद साबित हुई और आजम जो छक्के के बाद एक और बाउंड्री की तलाश में थे ज्यादा जल्दी कर गए और आखिरी कह का मोहम्मद हसनैन ने लगाया। और जो जीत है वो जो जंग लड़ रहे थे पिछले तीन बॉलों में एक दूसरे के साथ, उसकी जीत जो है वो बॉलर ने जीती हसनैन ने, क्योंकि उन्होंने उनको चेक किया शॉर्ट ऑफ लेंथ के साथ और आजम उसको अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाए। और ऑब्वियसली एज ए बॉलर आपकी जीत है अगर आप एक का चौका या एक का छक्का खा के आउट कर दें तो। ये फिर आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। साइम अयूब ये लेफ्ट हैंडर का एक और शिकार इफ्तिखार अहमद ने किया, आज उनके हाथ में पारस का पत्थर है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार जो मैंने पहले बात की कि आज का पूरा दिन जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, पहले बैटिंग में फिर अपनी बॉलिंग में और अभी अगर हम उनकी फील्डिंग को भी अगर हम देखें तो आज पूरे मैच में मैन ऑफ द मैच जो है वो मैच कोई भी जीते वो इफ्तिखार की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। अच्छी बैटिंग की साइम अयूब ने इस आखिरी शॉट से पहले, उनने बनाए 19, 149 पे 5 जी, थोड़ा सा क्रॉस बैटेड खेल गए। उसामा मीर भी लॉन्ग हैंडल यूज़ कर लेते हैं, वहाब रियाज भी कर लेते हैं, लेकिन ये बॉल चली जाएगी 4 रन के लिए। गैप बहुत शानदार तरीके से फाइंड किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल, इस लेंथ पे दानिश अज़ीज़ी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऑर्गेनाइजर्स मैच बाउंड्री की बॉल करेंगे, अब लेग स्टंप पे बॉल थी, फ्लिक कर दिया, कोई मौका नहीं, फाइन लेग के फील्डर दायरे में थे, 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। इस मौके पे बैक टू बैक बाउंड्रीज, क्वेटा ग्लैडिएटर विल हैव टू थिंक फास्ट नाउ, नहीं चाहिए। बहुत ही बड़ा शॉट 6 रन के लिए ऑन साइड पे। हसीबुल्लाह बहुत ही स्किलफुल है, बहुत ही टैलेंटेड यंग उभरते हुए बैटर है। इट्स अ गिफ्ट फॉर द पीपल ऑफ क्वेटा। बोल्ड हो गए, इंतहाई गैर जरूरी शॉट खेलने की कोशिश, बिल्कुल सही जा रहे थे मगर इतनी पेसी बॉल को विकेट छोड़ के पीछे खेलना, स्कूप करना मुनासिब नहीं था इस मौके पे और ये गैर जरूरी नुकसान उठाया। क्या इसी चीज की हम बात कर रहे थे, अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप सीधा इतना अच्छा खेल रहे हैं मैच में ज्यादा कुछ बाकी है नहीं, आप क्यों इस तरह का शॉट अटेम्प्ट करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो। सीखेंगे, अभी बहुत यंग है, लर्निंग कर्व है हसीबुल्लाह के लिए, इस तरह जब इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट्स गवाएंगे तो डेफिनेटली ये कप्तान को भी अच्छा नहीं लगेगा। नसीम शाह, आमिर जमाल पॉइंट के ऊपर से खेल रहे हैं, फील्डर मौजूद हैं, जी हाँ सीधा फील्डर के हाथ में, ये बड़ी विकेट हासिल किया नसीम शाह, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, नसीम शाह से के हीरो बनने का मौका है और एक इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किया एक इंपॉर्टेंट टाइम पे आमिर जमाल अब वापस जाते हुए। बिल्कुल फील्डर के हाथ में स्वीपर कवर के ऊपर, उन्हें एक इंच भी हिलना नहीं पड़ा मगर एक चीज जो उनके खिलाफ जाती थी, सूरज बिल्कुल उनके सामने था मगर किस खूबसूरती के साथ उन्होंने सूरज को अवॉइड किया है और बॉल पे नजर रखी, इस तरह ये नुकसान उठाना पड़ा पिशा और जालमी को 180 के मजमूई स्कोर पे, 7 खिलाड़ी आउट, अब सिर्फ 2 गेंदों का खेल बाकी रह गया है और 5 रन चाहिए जालमी को ये मैच जीतने के लिए। क्राउड का शोर देखने वाला है, क्राउड नसीम शाह के पीछे आखिरी बॉल करने के लिए आ रहे हैं। दानिश अज़ीज़ और बेहतरीन बॉलिंग है ये, कमाल का यॉर्कर लेंथ, यही हम एक्सपेक्ट करते थे नसीम शाह से, यहाँ पे अपनी टीम को इस शानदार ओवर की बदौलत मैच जिताने में कामयाब हो गए। नसीम शाह ने बताया कि वो क्यों नसीम शाह है, वो क्यों यंग सेंसेशन है, आखिरी ओवर में आके जिस तरीके से उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया, इंतहाई बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की, बिल्कुल अपने दिमाग को हाजिर रखा और इस मैच की जीत में आखिरी ओवर में अहम किरदार अदा किया। बहुत ज़्यादा रन्स नहीं थे, T20 में इतने रन्स बन जाते हैं जबकि सेटल बैट्समैन भी वहाँ पे मौजूद हो, तो बहरहाल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच 2 रन से जीत गई, अपने नाम किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। मैच समरी,
इफ्तार 94 रन नॉट आउट, बहुत ही उम्दा बैटिंग की कुछ दिन ने 36, बंगल ने 28 रन बनाए, वाब रियाज ने 3 विकेट हासिल की, सामा और आमिर ने 1-1 विकेट हासिल की, जवाब में मोहम्मद 53 रन बनाए हारिस ने और शाहिद अफरीदी 25, बाबर 23, इसी तरह मोहम्मद 3, हसनैन ने 3 आउट किए, इफ्तार ने 2 और नसीम शाह ने 1, मोहम्मद नवाज ने 1 आउट किया, 184 रन के जवाब में 181 रन ही बना सकी 7 विकेटों के नुकसान पे, 3 विकेटों से 3 रन से यह मैच जीता। कोटा ग्लैडिएटर की टीम ने खुश होगी कि अपने होम ग्राउंड पे यह मैच जीता, क्योंकि तमाशाइयों की भी ख्वाहिश हमें यही लगी पूरे मैच के दौरान, वो चाहते यही थे कि कोटा ग्लैडिएटर फाते होके निकले।